पे लिखा था यार, उस बीच के पेपर पे लिखा था कि फिर से निकलेगी। अब मैं कट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं यही सोच रहा हूँ इतने मुश्किल से ये इसको हमने ग्रो किया है, फिर से पत्ती निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इस मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कैंची, पीली पीली मेरे फेवरेट कलर की कैंची है। और आज इस कैंची से हम बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं। जो हमने बीज बोए थे बार बार मैं वही कहता हूँ, जो हमने बीज बोए थे आज वो सब्जियाँ बन के निकल गए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे खेत में। उधर रोशन भैया, भैया कौन सा साग आप निकाल रहे हैं? मरसा निकाल रहे हैं भाई। वाह भाई वाह, मरसा निकाला जा रहा है। और यहाँ पर भी सब निकल रहा है, हरी धनिया वगैरह। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर आप हमारे लेटेस्ट वाले ब्लॉग में देखे होंगे तो कहाँ कुछ नहीं था और कहाँ पूरी हरियाली ही हरियाली है। जहाँ बंजर था वहाँ उपजाऊ हो गया। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, एकदम सत्य बात है। एक काम करते हैं ना, अब इतनी मेहनत से लगाया है, इतने शौक से लगाया है, तो मैं उसको सीजर से काटूंगा। अच्छा, सीजर से काटने के पीछे एक बहुत विशेष कारण है, क्योंकि पालक जो हमने लगाया था उस पर, जो हमने पालक लगाया था उसका ये बताया जा रहा था कि ये कलमी पालक है, उस पर लिखा हुआ था कलमी पालक। तो कलमी पालक, अब रोशन भैया बताते हैं वो कौन सा पालक, कलमी मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब कि अगर आप एक बार कट कर दोगे ऊपर से, मतलब कि उसके लीफ कट करोगे तो फिर से लीफ निकल आएगी। तो इस वजह से, इस पर्पज से हम लिए हुए सीजर। तो अब कट करते हैं और ये देखिए सब पालक ही पालक है, कितने बड़े हो गए हैं हमारे पालक। और ये देसी पालक तो नहीं लग रहा, ये विलायती पालक है ना? देसी है? अच्छा ठीक है, चलिए देसी है, वो तो देसी कह रहे हैं। लेकिन इसके इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, मुझे तो विलायती ही लग रहे हैं। अच्छा, देसी और विलायती में मुझे पता है कि मेरे बाबा दादी बताते हैं कि अंतर ये होता है कि उसका जो जड़ होता है लाल होता है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो अब मैं उखाड़ूंगा तो नहीं फिलहाल, जो भी है भाई पालक है तो लेके चलते हैं और उसके बाद बताते हैं क्या है। पहले कट कर लेते हैं कि आज प्लान क्या है हमारा। अरे वाह भाई वाह, इतना ढेर सारा मरसे का साग। आज हमारी सू की मम्मी, एक्चुअली मेरी भाभी लगती है, आज घर पे नई डिश बनाएंगी, देखो क्या बनाती है। आते हैं यीशु भैया, बताते हैं आज मेरी मम्मी ये बनाया है, ये बनाया है। चलिए आज देखते हैं, आज हम खुद बताते हैं आपको चल के हम क्या बनाएंगे। हालांकि ये एक साग हो गया और अब हम कट करेंगे अपना पालक। चलिए ये देखिए यीशु भैया आज अपने हाथों से अपने मेहनत का फल का वो मजा लेंगे आज। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी बात है, आज हम पालक, हमको काटने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पालक बोऊंगा एक दिन और फिर अपने हाथ से कट करूंगा, आज बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। फिलहाल मैंने भाई कुछ पत्तियां काट ली हैं, लेकिन मुझे फिर वहां से भगाना पड़ गया है भैया जी को। भैया जी कहे कि तुम भाग जाओ यहाँ से, यहाँ आके खड़े हो जाओ सीधे से, लगता है जमेगा ही नहीं जब वो खाते हैं। तो वो सिस्टम से कट करेंगे, मतलब कि मुझे अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है, इस वजह से अब वो अच्छे से सिस्टम से देखिए कट करके दे रहे हैं। और क्योंकि वो बता रहे हैं कि अब तुम जिस तरीके से कट कर रहे हो भैया ना, एक बार ही कट करोगे दोबारा नहीं निकलने वाला पालक। तो हम कहे ठीक है, अच्छा आप ही कट कर लीजिए और मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ आपका। तो भाई ये देखिए पत्ते पालक के। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े पत्ते होंगे हमारे पालक के। यार खरीदते हैं तो इतना बड़ा नहीं रहता, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात पता क्या है, आज हम कह रहे हैं कि हमको आधा किलो चाहिए और फ्रेश फ्रेश कट करके मुझको मिल रहा है। अदरवाइज़ हम सब्जी वाले दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया आधा किलो दे देना, तब वो उसमें से देता है जो वो ऑलरेडी कहीं से लाया हुआ रहता है। अपने खेत से आज हम खुद ले रहे हैं भाई, बहुत ही डिफरेंट टाइप की फीलिंग आ रही है। अच्छा बताइए, पत्ती फिर निकल आएगी ना? पक्का ना भाई? लिखा था तो निकलेगी। आप कागज पे लिखा था यार, उस बीच के पेपर पे लिखा था कि फिर से निकलेगी। अब मैं कट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं यही सोच रहा हूँ इतने मुश्किल से ये इसको हमने ग्रो किया है, फिर से पत्ती निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी निकलेगी। चलिए ठीक है ठीक है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही भाई। इतना ढेर सारा पालक हो गया है कि पूरा पालक बचा भी है, लेकिन भाई देखो मैं इतना नहीं, मैं हब्सी टाइप का नहीं हूँ कि मैं सभी काट लूँ और एक ही दिन में खा लूँ, नहीं, धीरे धीरे करके खाएंगे आराम से। तो अभी थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, फिर लेके चलेंगे।
इसको आप ले जाइए ना, हम इसको पालक लेके जाएंगे, ठीक है? हम पालक लेके जाएंगे गाइस, और रोशन भैया को वाला मरसा वाला साग दे देते हैं भाई, ये भी अपने घर में लेके जाएं, बनाएं, खाएं साग, और हम भी अपने घर पे आज चल के बनाएंगे कुछ स्पेशल रेसिपी इसकी। खैर पालक की पकौड़ियाँ भी बनती है तो कोशिश करेंगे, पकौड़ी भी बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो जो रेसिपी बनाएंगे वो डिफरेंट है, कुछ और बनाएंगे। पालक किस्मत देखो गाड़ी से जाएगी कार में, कार में रखने जा रहे हैं अभी सब्जी, कार में रखने जा रहे हैं, कार में जाएगी। अरे वाह भाई, ये लो यार कुछ पत्तियां और भी हैं इसको रख। अब कितना हो? 710 ग्राम भाई, 710 ग्राम हम लोग पालक लेके चल रहे हैं, और इसका बीज हम लोगों ने खरीदा था 15 रुपए का, ठीक है? 15 रुपए का बीज खरीदा था, और 700 ग्राम हम पालक लेके चल रहे हैं अपने घर, और हमें जहाँ तक लगता है भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया हमें इस मामले में, खुद बो करके खुद काट के खुद लेके जाने में। अब आप भी सोचिए, इसको खुद भी करिए अपने घर में, छोटे से छोटे एरिया में, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, मेरे लल्लू हम कुछ लाए हैं तुम्हारे लिए, खाओगे? अरे मेरा गुड्डो आ जाओ, एक बार ऊपर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो कहाँ है, कहाँ लाए हैं तुम्हारे लिए, देख रहे हैं गाइस कैसे एरिस अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी चिज्जी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं एरिस। ये देखो कहाँ लाए हम तुम्हारे लिए, ये देखो, ये देखो कहाँ है, खाबो खाबो, अले 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 अले। अच्छा अभी खिलाते हैं तुमको, रुक जाओ खिला देते हैं, चलो बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, इधर आओ, यहाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, हाँ रुक जाओ, खाना है? अरे रुक जाओ, फाड़ने तो दो। गाइस फिलहाल एरिस को फेवरेट जो है वो है डेरी मिल्क, अब देखते हैं ये वाला खाते हैं कि नहीं। ये मिल्की बार ले आया हूँ, तो अब देखता हूँ, चेक करता हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन तभी मैंने छोटा पीस कर लिया है, नहीं खाएगा तो हम लोग खा लेंगे। आओ लो, कहाँ है, आ जाओ पहले जल्दी, इधर आओ, लो अरे कहाँ भाग लिए लेके लुल्लू, ये तो कोने में लेके चला गया। खैर गाइस जब एरिस अपना चॉकलेट खाएगा, और हम आपको चल के बताते हैं कि आज के जो हमारे स्पेशल स्पेशल पालक जो हमारी कटी थी हमारे फैक्ट्री पे, बहुत ही एकदम सुनहरी सुनहरे पत्तों वाली, और उसकी आज रेसिपी हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और खुशी बनाएगी। खुशी बना देना पालक पनीर, ओके बना दोगी? हाँ। प्लीज यार, देखो तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लेके आया हूँ। थैंक यू, ओके बना दूंगी, थैंक यू। सो गाइस चलिए, खुशी एग्री भी हो गई यार बनाने के लिए फिलहाल, तो चलते हैं हम लोग भाई पालक पनीर की तैयारी शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्लास वाले पत्तों से जो युक्त होगा, और विनय के लिए भी भाई लाया था तो विनय को भी मिल जाएगा, और मम्मी को भी दे देते हैं, मम्मी के लिए भी आया था। ये लीजिए मम्मी चॉकलेट आपके लिए। क्या आप बना रही हैं, सहीना? अच्छा मम्मी आज के डेट में सहीना भी बना रही है गाइस, तो आप इसको भी देख लीजिए, ये भी कवर होगा, क्योंकि भाई अब पालक पनीर मुझे बनाना है, तो पालक पनीर भी बनाएंगे, लेकिन ये मम्मी सहीना बना रही हैं, आप यार सहीना बनाए पालक पनीर, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बताइए, तो ऐसे उबाल कर रख देंगे पकौड़ी में, कल भी खा सकते हो। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे पेट भरने के लिए होगा ना सब्जी। अच्छा मतलब ये ऐसे फैंसी डिश बन रही है गाइस, और बाकी मेन डिश तो हमारी आज मेन कुजीन आज हमारी है पालक पनीर, तो पालक पनीर बनाएंगे हम लोग। फिलहाल क्या किया जा रहा है, इन लीफी 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 जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, इनको इनकी पत्ती अलग अलग तोड़ के रखी जा रही है, बिकॉज जो इनकी डंठल है ना दैट इज़ नॉट ऑफ यूज। अब मैं तो कहता हूँ यूज़ कर लो इसको भी, लेकिन अब खुशी रेसिपी पे जा रही है तो खुशी कह रही है नहीं केवल पत्ती चाहिए, तो चलो मैं तो अपने यार सच बताऊँ आपको, मैं इतना पागल टाइप का रखा हूँ आप कह लो, कि देखो अगर परवल बाहर से आएगी तो आई वोंट लाइक इट, आई वोंट ईट इट। अगर बैगन बाहर का होगा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, अगर करेला बाहर का होगा तो मैं देख भी नहीं सकता, बट अगर पालक या करेला या भिंडी या पालक करेला परवल कोई भी हमारे खेत का होगा, मैं उसको बोया होगा और मैं उसकी उपज देखा हूँ अपने आँख के सामने, और मैंने हार्वेस्ट किया होगा ना, तो मेरा मन करेगा क्यों ना ये डंठल को भी यूज़ किया जाए और कच्चा ही खा लिया जाए। टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस सब लगने लगता है, तो अपनी मेहनत ना, इंसान कहता नहीं पापा मम्मी कहता नहीं जब बेटा खुद कमाओगे ना तब जानोगे, तो वही वाली फीलिंग आती है, लिटरली बता रहा हूँ आपको।
वेल भाई पत्तियां हमने अच्छे से तोड़ ली हैं, पूरी पूरी हो गई सब शॉर्ट आउट। अब इसको खूब अच्छे से धोलेंगे बिकॉज इसमें भाई अभी मिट्टी है, खाद है और एकदम किरकिराएगा नहीं तो खाने पे, तो अच्छे से धोलेंगे इसको। और गाइस भाई खुशी ने तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया भाई यार पत्तियों को धुलने का। इसमें कितनी सारी मिट्टियां यार नीचे रुकी हुई है, देखिए ये काला काला। भाई फिलहाल हमने इसको अच्छे से पत्तों को धुल लिया है और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर कढ़ाई में पानी उबाला जा रहा है और इसमें अभी हम लोग डालेंगे अपने पत्तों को। और पत्तों को उबालना है ना पानी में खुशी? यस, ब्लांच करना है। क्या करना है? ब्लांच। ये क्या होता है भाई? मतलब उबलते हुए पानी में ही दूसरे मोमेंट के लिए छोड़ देना है, ताकि पूरा पूरा उबल जाएगा तो उसको फिर वो ग्रीननेस नहीं आएगा। यार मैं चाहता हूँ ना बहुत ज्यादा उबाल होना बिकॉज उसके न्यूट्रिएंट्स का एटलीस्ट पूरे पूरे हमारे अंदर चले जाए ना। उबल जाएगा तो फिर सब गाइस वाटर में ही चला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा यार ना नेचुरल तरीके से बनाना चाहता हूँ सब कुछ, एकदम स्वाद पे ही नहीं सेहत के लिए भी कुछ अच्छा हो। डाल दो भाई पत्तों को आराम से, सारा एक बार में डाल दोगे कि अलग अलग करके? एक बार। अच्छा चलो ठीक है, एक बार अलग अलग। अच्छा अच्छा ठीक है। अगर दूसरी तरफ इस पे पता नहीं क्या ये खुशी इसको रोस्ट कर रही है सारे खड़े हरे हरे मसालों को, जिसमें अदरक है, लहसुन है, मिर्चा है, बस ना यही तो है। अब मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा खरीद लिया था मार्केट से, मैं सोचा यार पता नहीं अभी घर पहुंचे तो पता चले ये नहीं है ये नहीं है, तो इससे अच्छा है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लो अपने रेसिपी कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने एक बड़ा ही अच्छा मसाला ले लिया था, और वो मसाला कहाँ रखा है कुछ ही। और गाइस साथ ही साथ हमने ये वाला मसाला लिया था, एवरेस्ट का किचन केक। अब मुझे किचन केक दिख गया और किचन केक लिटरली अच्छा मसाला होता है, तो मैं कहा चलो ये ले लेते हैं। हो गया, देख रहे हो हाफ हो गया वॉल्यूम दो बार में। हाँ कोई बात नहीं, वो तो हो ही जाता है गाइस, वो अभी सोक करके ना एकदम गल जाएगा। दूसरी तरफ भाई यार इसका जैसा कहा कि उसके खाने की तैयारी हो रही है, तो उसको पनीर भी दिया जाएगा, कट कर दो बिना। और गाइस यार पत्ते हमारे तो एकदम गल करके यार अलग ही हो गए, एकदम ढीले ढीले हो गए हैं, लग ही नहीं रहा इनके अंदर कुछ है, एकदम लूज लूज हो गए हैं गाइस। और इसको बर्फ के पानी में रखा जा रहा है अभी। खुशी बताएगी ऐसा क्यों? क्यों खुशी? ताकि जो है ना उसकी ग्रीननेस उसमें रहे और ये फर्दर और ज्यादा कुक ना हो जाए इसी में। अच्छा चलो चलो ठीक है गाइस, बर्फ में रख रहे हैं यार। खुशी तो भाई खुशी तो एकदम फाइव स्टार तरीके से बना रही है। अभी मैं उसी जगह पे होता ना तो मैं तो यार बड़ी देसी अंदाज में बनाता, लेकिन फिर भी ये देसी अंदाज है। बर्फ आपके घर में तो होता है आज के डेट में, तो आप ऐसे बना सकते हो अगर आपको अच्छा स्वाद लेना है तो। भाई बर्फी स्टाइल में हमने हमारे पनीर को कट कर लिया, देखिए कितने अच्छे अच्छे शेप में ट्रायंगल वाले। तो मैं सोच रहा था क्योंकि मैंने देखा था कहीं पर कि ट्रायंगल शेप में कटता है पनीर, तो मैं सोचा आज ट्रायंगल शेप में कट करते हैं पालक पनीर को अपने। और मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब ये कोई कॉमेंट सेक्शन में ऐसा कहे कि भैया या ट्रायंगल शेप में ही कटना है तभी अच्छा लगेगा स्वाद, तो ऐसा नहीं है, किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो, मैंने बस ट्रायंगल किया है। और बाकी देखिए गाइस हमारा पालक जो है यार एकदम हरा हरा, ये तो जूस के तरीके एकदम तैयार हो गया है, इसको भी हम डालेंगे आराम से अपने ग्रेवी में। ज्यादा गुना लगे तो गाइस फर्स्ट क्लास भाई, पालक के पत्तों का जो प्योरे था हमारा वो जा चुका है भाई कढ़ाई में बनने के लिए। पालक पनीर भाई बड़ा ही प्यारा लग रहा है, एकदम हरा हरा जैसे लग रहा है। हम लोग कोई इतना औषधि वर्धक चीज खाने जा रहे हैं ना कि एकदम पूरी ग्रीनरी पूरी समा गई है इसके अंदर। देखिए होती है ये ऐसी डिश होती है इतनी लाजवाब, हकीकत में यार मुझे अच्छी लगती है। मतलब लोग बहुत बहुत लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते पालक पनीर को, लेकिन फिर भी अगर अच्छा बना के कोई खिला देना तो आप ज़रूर पसंद करोगे। तो कुछ वैसे ही बन रहा है आज, यही सही टाइम है पनीर के टुकड़ों को डालने के लिए जो हमने काटा था। तो भाई चल लाओ मैं डालूँगा भाई, बड़े प्यार से मैंने कट किया था। वाह 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 भाई भाई वाह वाह, हमारे प्यारे प्यारे पनीर, गजब क्या बात है। तो भाई अब आटा सानने जा रहे हैं और जो इसका पानी बचा हुआ था पालक पनीर वाला, अब उसके पानी से जो उस पानी से हम यूज़ करेंगे इसमें आटा बनाने के लिए। तो चलो आटा बनाते हैं फिर। सो गाइस देखिए आपने मैं कैसे भाई मैंने बिल्कुल एकदम विपरीत फैंसीनेस से दूर मुझे भाई आटा सानना आता है,
तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। मैं ज़बरदस्ती ये नहीं कहना चाहता, मैं ज़बरदस्ती अपना आटा नहीं खराब करके कहना चाहता, अरे मुझे आटा समझ नहीं आता। सो गाइस, मैंने सोचा भी नहीं था, मैं दिल से आपको बताऊँ, मैं अपने दिल की बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, और सोच करके भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब कहाँ हमने एक बीज डाला था पालक का, कुछ बीज डाले थे वो पालक बना, फिर उसके बाद पालक बन के हम लोग उसको काट के लाए और आज ये पालक पनीर बन चुका है। तो भाई यार बड़ा ही अनोखा ये कहानी है, बड़ी अच्छी दृश्य है देखने को मिल रहा है, जो मुझे जानने को मिल रहा है, बड़ा प्यारा है यार, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रेसिपी हमारी एकदम हरी हरी प्यारी प्यारी और पनीर भी है क्या हमें। हाँ डेफिनेटली यार, इतना अच्छा हम लोगों ने पूरा पालक बनाया है इसको, ऐसा लग रहा है कि पालक हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है अपने खेत में। खाना चलो अब इसका स्वाद लेते हैं गाइस, फिर आपको बताते हैं कि भाई पालक तो निकला तो अच्छा लेकिन बना कैसे है, तो अब स्वाद लेना जरूरी है। देखो पनीर है इसमें, खा लो तुम भी, खा लो हैरिस, हैरिस खाना खा लो, देखो पनीर तुम्हारे लिए इसमें मिला था। और गाइस यहाँ सब पूरी फैमिली बैठ के खा रही है खाना, यहाँ विनय है, यहाँ पर खुशी है, यहाँ पर हम हैं, और हमारे पीछे हैरिस, हैरिस भी खा रहे हैं। हैरू अब खाओ यार, तुम पनीर है तुम्हारा इसमें, अभी खाएगा गाइस, अभी इसका मन नहीं कर रहा है, अभी कुछ देर में खाएगा। पहली बाइट लेने जा रहे हैं भाई पालक पनीर की, और देखते हैं कैसा है। चावल जिसको लेना होगा ले लेंगे। वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट पालक पनीर बनी है भाई, एकदम सारा स्वाद एकदम पालक का ऐसा निकल के आ रहा है, जैसे लग रहा है हम लोग हरी पालक और पनीर ऐसे कच्चा कच्चा खा रहे हैं। खुशी कैसा लगा तुम्हें तुम्हारे हाथ का, और बिना तुम्हें भाई अच्छा है ये, मम्मी बता दें कैसा है, मम्मी कैसा है। खेती हमारी सफल हुई, सब मिला करके हम कह सकते हैं खेती हमारी सफल हुई गाइस पालक वाली। और आपसे मिलते हैं कल किसी और बेहतरीन दिन के साथ और बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अब इस खाने का आनंद लेते हैं, आप भी कुछ आनंद लीजिए अपने जीवन में। चलिए गुड नाइट, बाय।